नमस्कार, सिल्क टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सत्यम। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। लॉकडाउन को लेकर श्रावण की सोमवारी पर मंदिरों में पसरा रहा सन्नाटा। भगवान भोलेनाथ से कोरोना की मुक्ति के लिए भक्तों ने की प्रार्थना। सोमवारी पर गंगा स्नान करने गया युवक नदी की तेज धार में बहा। शव तलाश में जुटी एनडीआरएफ की टीम। भागलपुर पुलिस ने होटल में मारा छापा। आपत्तिजनक अवस्था में बरामद हुए प्रेमी युगल, होटल सील। नवगछिया पुलिस को मिली बड़ी सफलता। ट्रक लूटकांड मामले में चार अपराधी गिरफ्तार, हथियार हुआ बरामद। और जिले में नहीं थम रहा है कोरोना का कहर। एक साथ मिले 36 नए पॉजिटिव मरीज, आंकड़ा पहुंचा 2400 के पार। अब समाचार विस्तार से। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस का असर श्रावण के चौथे सोमवारी को सुल्तानगंज के अजगैवी नाथ मंदिर और उत्तर वाहिनी गंगा में देखने को मिला। जहां श्रावण के सोमवारी में लाखों की संख्या में कांवरिया जल भरते हैं, वहीं कोरोना वायरस को लेकर गंगा के किनारे सन्नाटा पसरा रहा। सोमवार का व्रत रखने वाले शिव भक्तों ने गंगा स्नान कर बाबा अजगैवी नाथ धाम की पूजा मंदिर के द्वार पर ही की। धार्मिक न्यास बोर्ड एवं जिला प्रशासन द्वारा 16 जुलाई से 31 जुलाई तक सभी मंदिर एवं धार्मिक स्थलों को बंद रखने का आदेश दिया गया है। जिस तरह से कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है, लोग डर के छाए में जी रहे हैं। आस्था पर कोरोना का प्रकोप अजगैवीनाथ मंदिर में भी दिख रहा है। प्रतिवर्ष लगने वाला विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला इस बार कोरोना के भेंट चढ़ गया है। कोरोना महामारी में बाबा भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर भक्तों ने कोरोना महामारी को जल्द से जल्द खत्म करने की मन्नत मांगी। नवगछिया पर्वत्ता थाना क्षेत्र के महादेवपुर गंगा घाट पर स्नान करने गए 20 वर्षीय युवक की गंगा में डूबने से मौत हो गई। मृतक युवक की पहचान मधेपुरा सोनवर्षा निवासी साधु भगत के पुत्र सोनू कुमार के रूप में हुई है। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि मृतक युवक अपने दोस्तों के साथ श्रावण की सोमवारी को लेकर गंगा स्नान करने आया था, तभी वह गहरे पानी में डूब गया। इस दौरान अपने साथी को गंगा में डूबता देख दोस्तों ने शोर मचाना शुरू कर दिया, जिसके बाद स्थानीय गोताखोरों ने नदी में शव की तलाश शुरू कर दी। वहीं मौके पर पहुंची पर्वत्ता पुलिस ने घटना की जानकारी एनडीआरएफ टीम को दी, जिसके बाद एनडीआरएफ की टीम ने युवक की काफी खोजबीन की, लेकिन देर शाम तक उसका कोई पता नहीं चल पाया। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। महादेवपुर घाट है, ब्रह्म स्थान है, जो खरीक अंचल अंतर्गत पड़ता है और थाना पर्वत्ता पड़ता है। इसमें अरजपुर सोनवर्षा थाना चौसा जिला भाग मधेपुरा से ये अपने कुछ लड़का के साथ दोस्तों के साथ गंगा स्नान करने आए थे, जिसमें सोनू कुमार पिता साधु भगत ग्राम अरजपुर सोनवर्षा थाना चौसा जिला मधेपुरा नहाने के क्रम में डूब गए। शहर में धड़ल्ले से चल रहे देह व्यापार के गोरख धंधे का भागलपुर पुलिस ने रविवार को भंडाफोड़ कर दिया। कोतवाली थाना से महज कुछ ही मीटर की दूरी पर जब्बार चक चौक के समीप होटल ग्लोरी से पुलिस ने दो युवक और दो युवतियों को आपत्तिजनक अवस्था में गिरफ्तार किया है। दरअसल स्थानीय लोगों ने ततारपुर थाना क्षेत्र के होटल ग्लोरी में चल रहे देह व्यापार की जानकारी वरीय पुलिस अधीक्षक आशीष भारती को दी थी। वहीं एसएसपी आशीष भारती के निर्देश पर सिटी डीएसपी राजवंश सिंह ने दल बल के साथ होटल ग्लोरी में दबिश दी, जहां से युवक और युवती को पुलिस ने रंगे हाथों पकड़ लिया। फिलहाल पुलिस पकड़े गए लोगों से पूछताछ कर रही है। बता दें कि होटल संचालक मोहम्मद कमाल सोहेल हबीबपुर का रहने वाला है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। स्थानीय लोगों ने दबी जुबान में बताया कि होटल ग्लोरी के संचालक मोहम्मद कमाल सोहेल और ततारपुर थाना पुलिस की मिलीभगत से यहां पिछले कई वर्षों से देह व्यापार का अवैध धंधा फल फूल रहा था, जिसके कारण इलाके के कई युवा नशे के आदि हो गए हैं। वहीं सिटी डीएसपी राजवंश सिंह ने कहा कि देह व्यापार के धंधे में संलिप्त लोगों के खिलाफ पुख्ता सबूत मिलने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। हम आपको बता दें कि शहर के पौश इलाके से कुछ दिन पूर्व ही जोक्सर थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना पर देह व्यापार के धंधे में लिप्त कई लोगों को हिरासत में लिया था। नवगछिया पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने सोमवार को लूट की घटना को अंजाम देने वाले चार शातिर अपराधी को हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया। एसपी स्वप्ना जी मेश्राम ने बताया कि 22 जुलाई को महदतपुर के पास से NH 31 के किनारे ट्रक लूटा गया था। लुटेरों ने ट्रक चालक एवं खलासी को बंधक बनाकर लगभग 15 लाख का पान मसाला लूट लिया था। इसके बाद चालक एवं खलासी को पूर्णिया के हरदा में छोड़ दिया गया।
जिसके बाद चालक व खलासी के बयान पर नवगछिया थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। लूटकांड के खुलासे के लिए SDPO परवेंद्र भारती के नेतृत्व में SIT का गठन कर छापेमारी की गई। शनिवार रात तेतरी के कदवा की ओर जाने वाली सड़क पर कुछ बदमाश खड़े दिखे। इसी दौरान पुलिस ने चारों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी मोहम्मद सुबेर व मिथिलेश कुमार जमुनिया निवासी है, जबकि प्रमोद कुमार भगत श्रीपुर निवासी एवं राजन सिंह मदरौनी निवासी है। पुलिस ने बदमाशों के पास से 2 देसी कट्टा, 4 कारतूस, 5 मोबाइल फोन और एक बाइक बरामद किया है। पूछताछ के दौरान चारों बदमाशों ने ट्रक लूट की घटना में संलिप्तता स्वीकार करते हुए कहा कि हम लोगों ने लूट के बाद ड्राइवर और खलासी को पूर्णिया में फेंक दिया था और लूटे हुए गुटखा व पान मसाला को भवानीपुर थाना क्षेत्र में छिपाकर रख दिया था। पकड़े गए अपराधियों की निशानदेही पर भवानीपुर थाना क्षेत्र के बलाहा निवासी राहुल शर्मा के घर से 62 बोरा गुटखा और पान मसाला बरामद किया गया। साथ ही पिकअप वैन और कार भी बरामद की गई। SIT में नवगछिया इंस्पेक्टर राज कपूर कुशवाहा, भीपुर थाना अध्यक्ष रंजीत कुमार, भवानीपुर OP थाना अध्यक्ष नीरज कुमार एवं आदि पुलिसकर्मी शामिल थे। जिले में लॉकडाउन के बावजूद कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। राज्य सरकार एवं स्वास्थ्य महकमा कोरोना पर काबू पाने में असफल नजर आ रही है। सोमवार को आई ताजा रिपोर्ट के अनुसार जिले में 36 नए कोरोना संक्रमितों की पुष्टि हुई, जबकि पड़ोसी जिला बांका से 27, पूर्णिया से 82 एवं मुंगेर से 22 कोरोना संक्रमित मिले हैं। वहीं राजधानी पटना से सर्वाधिक 453 नए संक्रमित मरीज पाए गए। बेकाबू रफ्तार से बढ़ रही कोरोना संक्रमितों की संख्या जिलेवासियों के ऊपर कहर ढा रही है। इसके बावजूद जिले में ना तो लॉकडाउन का सही ढंग से पालन हो रहा है और ना ही लोग सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रख रहे हैं। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मन की उदासी, नस, सिर दर्द, हिस्टीरिया, पागलपन, मिर्गी, अनिंद्रा, सेक्स रोग एवं नशा जैसे पुरानी शराब, गांजा, भांग, ड्रग्स एवं किसी भी प्रकार के पुराने नशे के इलाज हेतु संपर्क करें भागलपुर स्थित आनंद क्लिनिक, जो कंसल्टेंट न्यूरोसाइकोट्रिस्ट, सेक्सोलॉजिस्ट, डी एडिक्शन थेरेपिस्ट के मशहूर डॉक्टर ऋषि आनंद की देखरेख में किया जाता है। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इस अस्पताल में EEG, ECT एवं MBT के साथ साथ मरीजों के भर्ती हेतु 24 घंटे AC, non-AC, जनरल एवं स्पेशल वार्ड की सुविधाएं उपलब्ध है। आनंद क्लिनिक लाजपत पार्क, घंटाघर के उत्तर, मोक्षदा स्कूल के समीप, मशाकचक, भागलपुर, बिहार। लाइफलाइन CT स्कैन एंड डिजिटल एक्सरे, डॉक्टर शशिकर MD रेडियो डायग्नोसिस द्वारा संचालित लाइफलाइन CT स्कैन एंड डिजिटल एक्सरे में अत्याधुनिक तकनीक से सभी प्रकार के रेडियो डायग्नोसिस की सुविधा पिछले 8 साल से उपलब्ध है। भागलपुर का पहला डिजिटल 1.5 टेस्ला होल बॉडी MRI स्कैन, मल्टी स्लाइस होल बॉडी CT स्कैन, अत्याधुनिक अल्ट्रासाउंड मशीन से 2D, 3D, 4D कलर डोपलर, अल्ट्रासाउंड गाइडेड पानी निकालना अथवा प्रेगनेंसी का लेवल 1 या लेवल 2 की जांच की सुविधा। डिजिटल एक्सरे से सामान्य एक्सरे के साथ साथ IVP, RGU, HSG की जांच। डिजिटल डेंटल एक्सरे से पूरे जबड़े का OPG। अत्याधुनिक पैथोलॉजी की व्यवस्था, खून, पेशाब आदि जांच के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं। हवादार प्रतीक्षालय एवं शुद्ध पेयजल की व्यवस्था। कोरोना संक्रमण के प्रति सचेत व सुरक्षित व्यवस्था। लाइफलाइन CT स्कैन एंड डिजिटल एक्सरे का रिपोर्ट सभी बड़े अस्पतालों व डॉक्टरों द्वारा मान्य है।
लाइफलाइन सीटी स्कैन एंड डिजिटल एक्सरे। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अजय कुमार सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सोमवार को UMIS ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम का उद्घाटन किया। उद्घाटन के मौके पर कुलपति डॉक्टर AK सिंह ने कहा कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू होने से TMBU के छात्रों को इसका सीधा लाभ मिलेगा और छात्र खुद से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। मौके पर डीन साइंस एवं समन्वय समिति के कन्वेनर डॉक्टर अशोक ठाकुर तथा UDCA के इंचार्ज डॉक्टर कमल प्रसाद ने कुलपति को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से संबंधित विस्तृत जानकारी दी। इस दौरान डॉक्टर अशोक ठाकुर ने बताया कि TMBU संभवतः बिहार का पहला विश्वविद्यालय होगा जहां छात्र हित में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया सरल और सुगम बनाई गई है। इस प्रक्रिया में छात्र अब खुद से ही पोर्टल पर ID और पासवर्ड से लॉग इन कर करेक्शन कर सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू होने से छात्रों को अब विश्वविद्यालय का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। TMBU के PRO डॉक्टर दीपक कुमार दिनकर ने बताया कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए लगाए गए लॉकडाउन और विश्वविद्यालय में कंटेनमेंट जोन बनाए जाने के बावजूद TMBU प्रशासन छात्र हित के कार्यों को प्राथमिकता देने में सक्रिय रूप से जुटा हुआ है। भागलपुर के नाथनगर में लॉकडाउन फेल होता देख स्थानीय प्रशासन हरकत में नजर आया, जिसके बाद सड़कों पर बेवजह घूमते लोग, दुकानों पर लगी भीड़ और निर्धारित समय से ज्यादा खुली दुकानों को बंद कराया गया। साथ ही लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों को हिरासत में भी लिया गया। वहीं पुलिस की सख्ती देख सभी दुकानदार अपने दुकानों का शटर गिराकर भाग खड़े हुए। लॉकडाउन में कई दिनों से पुलिस एवं दुकानदारों के बीच आंख मिचौली का खेल चल रहा था। वहीं जिन दुकानों को खोलने का आदेश नहीं है, दुकानदार उन दुकानों को भी खोलकर लॉकडाउन की धज्जियां उड़ा रहे थे। मेडिकल, सब्जी, फल एवं किराना दुकानों के अलावा सभी दुकानों को बंद कराया गया। वहीं नाथनगर इंस्पेक्टर मोहम्मद सज्जाद हुसैन ने बताया कि लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों को हिरासत में लिया गया है। नवगछिया में कोसी के जलस्तर में लगातार इजाफा हो रहा है, परिणाम स्वरूप निचले इलाके में पानी का कहर शुरू हो गया है। कोसी बीपुर के विभिन्न गांवों में बाढ़ की पानी से लोग परेशान हैं। जलस्तर में बढ़ोतरी के साथ ही कहारपुर, गोविंदपुर, लोकमानपुर, सिंहकुंड से कोशी कटाव काफी तेज हो गया है। नवगछिया के कहारपुर में कोसी ने भारी तबाही मचानी शुरू कर दी है। कोसी के कटाव में एक दर्जन से अधिक घर नदी में विलीन हो चुके हैं और कई घर विलीन होने के कगार पर खड़े हैं। पानी के प्रलय में वर्षों के मेहनत से बनाए गए आसियाने उजड़ते जा रहे हैं। घर कट रहा है, उसीलिए तोड़ रहे हैं। क्या किस में कट रहा है? नदी में, कोसी में। इसका क्या कहा जाएगा? कहा जाएंगे, सरकार जमीन देगा तब ना। उसीलिए बगल में रख रहे हैं, उस पार ले जाएंगे, सरकार जमीन देगा तब। सरकार के द्वारा व्यवस्था किया गया है? कुछ नहीं अभी तक। नदी में जा रहा तोरी तोरी होने हटेबे। कहाँ रहना चाहिए? कहाँ रहते अखनी कोई व्यवस्थे नहीं है, कुछ नहीं, साफे नहीं, हटा रहा गाँव से भागी रहा लोग, कोई व्यवस्था। फिर घर गाँव आना चाहे? गाँव तो आना चाहिए की सरकार के द्वारा की व्यवस्था चाहे? कुछ व्यवस्था से कहारपुरा में। बांका बौसी थाना क्षेत्र अंतर्गत कहरा बांध के पास रविवार को एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक व्यक्ति की पहचान टाउन थाना क्षेत्र के मजलिशपुर गांव निवासी 40 वर्षीय बुल्ला यादव के रूप में हुई है। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि बुल्ला यादव अवैध वालू डंपिंग, शराब तस्करी से लेकर बमबाजी और गोलीबारी की घटना में संलिप्त रहा है। बमबाजी और गोलीबारी को लेकर टाउन थाना में उसके खिलाफ कई मामले दर्ज हैं। एक महीना पूर्व मजलिशपुर और नवटोलिया गांव के बीच विवाद में जमकर गोलीबारी और बमबाजी हुई थी, जिसमें नवटोलिया के आधा दर्जन लोग घायल हो गए थे। इस घटना में बुल्ला यादव नामजद अभियुक्त था। बुल्ला यादव पुलिस से बचने के लिए बौसी थाना क्षेत्र के कहरा बांध के समीप अपने दोस्त के यहां छिपकर रह रहा था। वहीं मृतक के भाई श्याम बिहारी ने साजिश के तहत नवटोलिया गांव के शमशेर मियां और इद्रिश मियां सहित कई लोगों पर हत्या करने का आरोप लगाया है। उसने बताया कि कुछ दिनों से बकरी ढूंढने के बहाने कई लोग उसके भाई पर नजर जमाए हुए थे, जिसके बाद साजिश के तहत उसकी हत्या कर दी गई। वहीं घटना की सूचना मिलते ही बौसी थाना पुलिस दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। शमशेर मियां, इद्रिस मियां, घर लपटोलिया,
लखपेलिया कहाँ पड़ता है? पाका में मजलिसपुर के बगल में। वही लोग से मारपीट हुआ था, पुलिस प्रशासन गांव पे छानबीन करता था, इसीलिए यहाँ पे आके ये सोता और इसको परसों तरसों जो है पहुंच भी यहाँ आके इधर बकरी के बहाने घूम के इसको देखने के लिए आया था और तो बाद में इसको प्लान बना के मारा है। बांका जिले के अमरपुर थाना में पदस्थापित दरोगा की मौत होने एवं रजौन थाना अध्यक्ष के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद शहरवासी समेत सभी थाने की पुलिस कर्मियों में दहशत का माहौल है। बांका अमरपुर थाना में पदस्थापित सहायक अवर निरीक्षक विजय कुमार तिवारी की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार वह पिछले एक सप्ताह से सर्दी खांसी और बुखार से पीड़ित थे। थाना परिसर में ही बने अपने सरकारी आवास में तिवारी अपने पत्नी के साथ रहते थे। विगत एक सप्ताह से उनकी बीमारी का इलाज प्राइवेट क्लिनिक में चल रहा था। शनिवार को अचानक तबीयत ज्यादा खराब होने के बाद उन्हें रेफरल अस्पताल लाया गया, जहां चेकअप के बाद डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। कोरोना संक्रमण से मौत होने की आशंका के बाद पूरे शहर में दहशत का माहौल उत्पन्न हो गया है। एएसआई विजय कुमार तिवारी मूल रूप से यूपी के देवरिया जिला अंतर्गत पिपराबेन गांव के निवासी थे। धार्मिक प्रवृत्ति के साथ साथ वह एक तेज तर्रार पुलिस पदाधिकारी के नाम से भी जाने जाते थे। वहीं डॉक्टर अभय प्रकाश चौधरी ने बताया कि शुक्रवार को विजय कुमार तिवारी का रेफरल अस्पताल में रैपिड जांच कराया गया था, जिसमें उनका रिपोर्ट निगेटिव आया था। दरोगा के मौत का कारण पोस्टमार्टम के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। इसके अलावा रजौन के थाना अध्यक्ष नीरज तिवारी की रिपोर्ट भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नवगछिया इकाई की कार्यकर्ता ब्यूटी कुमारी के नेतृत्व में इस वर्ष चाइनीज राखी के विरोध में एबीवीपी के सभी कार्यकर्ता अपने पॉकेट मनी से राखी बना रहे हैं। वहीं अब तक अलग अलग डिजाइन के 250 से अधिक राखी बनाए जा चुके हैं। साथ ही राखी को पुलिस जिला नवगछिया अनुमंडल के अलग अलग क्षेत्र में निःशुल्क वितरण करने का निर्णय लिया गया है। मौके पर एबीवीपी की प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य स्मृति सिंह ने कहा कि सीमा पर चीन के सैनिकों द्वारा हमारे सैनिकों पर छिपकर प्रहार किया जा रहा है, ऐसे में अपने भाइयों की कलाई पर चाइनीज राखी बांधकर उनका अपमान करने से बेहतर है कि हम स्वयं से राखी बनाकर अपने भाइयों की कलाई पर बांधकर उनका सम्मान बढ़ाएं। वहीं ब्यूटी कुमारी ने बताया कि हम लोगों ने 500 राखी वितरित करने का लक्ष्य रखा है। राखी बनाने में कोमल राज, प्रतिभा झा, पूजा चौधरी, अर्चना, जानवी सिंह एवं अंजलि समेत कई कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। जिले में कोरोना संक्रमितों की तेजी से हो रही वृद्धि से शहर की जनता परेशान है। कोरोना के प्रलय में कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। कोरोना वायरस से बचाव के लिए तरह तरह का हथकंडा अपनाया जा रहा है। केंद्र सरकार एवं आयुष मंत्रालय ने इस भयानक महामारी से बचाव के लिए होम्योपैथिक एवं यूनानी दवाओं का नाम जारी किया है। वहीं होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर आर.एन. पांडे ने सोमवार को टिप्स जारी कर लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाव के तरीके बताए। मास्क प्रॉपरली एंड ऑल द टाइम, मेंटेन डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग, वॉश हैंड रेगुलरली विद सॉप या हैंड वॉश, यूज सैनिटाइजर फ्रीक्वेंटली, ड्रिंक हॉट वाटर ऑल द टाइम, गार्गिल विद हॉट वाटर, ईट हॉट एंड हेल्दी फूड, घबराए नहीं। इसके प्रिकॉशन के लिए भी हम लोगों ने मेडिसिन तैयार की हुई है। तो होम्योपैथी जैसे आर्सेनिक 200 मेडिसिन है, आप इसको खाने के बाद 5 गोली 3 बार ले सकते हैं, नाश्ता के बाद, दोपहर भोजन के बाद और रात में खाने के बाद। कैम्फर 1 mg भी इसके साथ आप खा सकते हैं, उसको भी इसी तरह खाना है, 5 गोली नाश्ता के बाद, 5 गोली दोपहर के बाद, 5 गोली रात में खाने के बाद खा सकते हैं। और इससे हतोत्साही न हो जाने पर अगर आप होम क्वारंटाइन हैं तो आप अपना हर चीज़ सेपरेट रखें और आयुर्वेदिक का काढ़ा, होम्योपैथिक में अल्फा टॉनिक वगैरह, R95 जर्मनी वगैरह करके आप इसको पी के अपने आप को ठीक कर सकते हैं। और अंत में चलते चलते एक नज़र डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। लॉकडाउन को लेकर श्रावण की सोमवारी पर मंदिरों में पसरा रहा सन्नाटा, भगवान भोलेनाथ से कोरोना की मुक्ति के लिए भक्तों ने की प्रार्थना। सोमवारी पर गंगा स्नान करने गया युवक नदी की तेज धार में बहा, शव तलाश में जुटी एनडीआरएफ की टीम। भागलपुर पुलिस ने होटल में मारा छापा, आपत्तिजनक अवस्था में बरामद हुए प्रेमी युगल, होटल सील। नवगछिया पुलिस को मिली बड़ी सफलता, ट्रक लूटकांड मामले में 4 अपराधी गिरफ्तार, हथियार हुआ बरामद।
और जिले में नहीं थम रहा है कोरोना का कहर। एक साथ मिले 36 नए पॉजिटिव मरीज, आंकड़ा पहुंचा 2400 के पार। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।